चैत्र नवरात्रि पावन पर्व निमित्ते पांडेसरा बेस्तान भगवती रेसिडेंसी परिवार द्वारा सोमवार तारीख 4 एप्रिल थी 10 एप्रिल सुधी भागवत कथा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। भागवत कथा ना आयोजन माटे भगवती रेसिडेंसी द्वारा कलश यात्रा काढवामां आवी हती, जेमां मोटी संख्यामां लोको जोडाया हता। भागवत कथा नो मोटी संख्यामां लोको लाभ लई रह्या छे। मथुरा वृंदावन ना राजेश कृष्ण महाराज आ भगवत कथा नु रसपान करावी रह्या छे। मैंने कहा ये व्यथाओं की तो कथा है, करके 10 बजे तक जब तक राम जी के जीवन में व्यथाएं रही तब तक कथा कथा खत्म हो गई, तो कथा खत्म हो गई। हमारे पीछे सभी लोग जो है या आयोजक, अच्छा आप लोग सदस्य है, देखना समझ के बताना लोगों के मेहनत के, किसकी कथा ऐसी लिखी गई है जिसमें सुखों की कथा लिखी गई, यात्रा बहुत ही जिसमें आपत्तियां नहीं थी, अच्छी शोभा यात्रा, जितनी भी कथाएं लिखी गई है कथा कथा का, मैं वेद पुराणों की बात नहीं कर रहा हूँ, कथा यदि इसको कथा कहेंगे वो कथा क्या है, आप सबके जीवन में व्यथा ही एक कथा है। भाग लेकर के कहीं जाकर के आप बाबा जी को, संत को, महात्मा को, व्यास जी को, बड़े को कहीं जाके क्या बताते हो तुम? इस अमृत अपने सुख की कहानी नहीं सुनाते, जाके अपने दुख की कहानी सुनाते हो, यानी व्यथा को ही अपनी को कथा के। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोगों को बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है, भगवती रेजिडेंसी परिवार के द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा का जन कल्याण हेतु आयोजन किया जा रहा है, जो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल पर्यंत चलेगा, जिसका कथा का समय रहेगा शाम को 6 बजे से रात्रि में 10 बजे तक। इसका मूलभूत उद्देश्य है प्रेम और सौहार्द। ये कथा हम तो 10 वर्ष से कथा कर रहे हैं, लेकिन ये पहली कथा ऐसी है जिसमें समस्त समाज की समितियाँ एकत्रित होकर के इस कथा को करा रही है। सभी के साथ में प्रेम हो, सभी एक छत के नीचे बैठ करके सत्संग के माध्यम से संस्कार ले सकें, ये मूलभूत उद्देश्य इस कथा का रहेगा। सभी से नम्र निवेदन है सब परिवार इष्ट मित्र सहित आएं और इस कथा में सम्मिलित होकर के जीवन को कृतार्थ करें। राधे राधे।